मध्य प्रदेश के खरगोन में एक किसान के नाम से 3.5 लाख रुपए ऋण निकल गया और किसान को खबर ही नहीं। जब बैंक ने ब्याज सहित करीब 3,54,000 रुपए जमा करने का नोटिस किसान के घर पहुंचाया तो किसान के होश उड़ गए। किसान ने ऋण के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया और बैंक ने लाखों रुपए वसूली का नोटिस थमा दिया। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों और मैनेजरों की मिलीभगत के कारण किसान के नाम से फर्जी बिल पास हो गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर सेगांव विकास खंड के खामकेड़ा निवासी बुजुर्ग किसान छगन पिता उंदरिया को भारतीय स्टेट बैंक नूतन नगर खरगोन ब्रांच का नोटिस मिला तो किसान के होश उड़ गए। नोटिस बैंक से 2,98,000 का लोन लेने और ब्याज सहित 3,54,000 जमा करने का था। किसान नोटिस देकर चकरा गया क्योंकि किसान ने कोई ऋण बैंक से लिया ही नहीं था। किसान ने इस मामले में थाने पर संपर्क किया और पूर्व में उसके दस्तावेज घूमने की शिकायत का आवेदन दिया। किसान ने अपने दस्तावेज घूमने की शिकायत कई महीनों पहले एसपी और थाने पर की थी। किसान के नाम से भारतीय स्टेट बैंक नूतन नगर खरगोन ब्रांच से किसी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक कर्मचारी और मैनेजर की मिलीभगत से 2,98,000 का ऋण लिया और चंपत हो गए। मामले का खुलासा तो बैंक के नोटिस के बाद ही हुआ। इस मामले में खरगोन थाना इंचार्ज LS डागुर ने जांच शुरू कर दी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। नूतन नगर स्टेट बैंक का मैटर है। फरियादी छगन हरिजन है, ये खामखेड़ा का सेगांव तहसील का निवासी है। इसके कुछ समय पहले कागजात गुम गए थे जिसमें इसकी ऋण पुस्तिका, पावती पट्टे और कुछ परिचय पत्र थे जिसकी इसने रिपोर्ट भी लिखाई थी पुलिस को। और इसके बाद इसके नाम से 2,98,000 रुपये का लोन फर्जी तरीके से निकालने की इसने शिकायत की है, जो बैंक द्वारा इसको 3,54,000 रुपये का नोटिस थमा दिया गया कि इसके नाम से रिकवरी बाकी है। इसकी शिकायत की जाँच की जा रही है। इसमें जो भी व्यक्ति जिन्होंने फर्जी तरीके से लोन निकाला है उनकी भी जांच की जा रही है और बैंक की भी जांच की जा रही है। कौन से बैंक है सर? नूतन नगर स्टेट बैंक। कैसे सामने आया सर जी तो मामला कैसे आपके सामने आया? उसने शिकायत की है फरियादी ने, जब उसको नोटिस वगैरह रिकवरी के पहुंचे तो उसने बताया कि सर मैंने कभी लोन नहीं लिया और मेरे नाम से फर्जी लोन किसी ने निकाला है और बैंक उससे रिकवरी करना चाहता है। कौन कौन सर इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या प्रारंभ? इसमें पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ दलाल ऐसे रहते हैं जो फर्जी तरीके से लोन बैंक से निकलवा लेते हैं। इसमें जो पूर्व समय के जो प्रबंधक या बैंक कर्मी रहे होंगे उनके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा किया उनकी जाँच की जा रही है। मतलब इसमें बैंक कर्मी भी शामिल है? अभी जाँच की जा रही है, जाँच होने पर स्पष्ट हो पाएगा कि बैंक के लोग शामिल हैं या नहीं। ये मामला कब का है सर? ये 1-2 साल पुराना मामला है लेकिन उसके बाद रिकवरी के नोटिस जब आने शुरू हुए तब उसकी जानकारी में आया कि उसके खिलाफ किसी ने उसको फर्जी तरीके से लोन उसके नाम से निकाल लिया है। बैंक से भी संपर्क हुआ क्या? बैंक से भी हमारी चर्चा चल रही है। हमने उस समय के पूर्ण दस्तावेज और जो जिस लोगों ने जैसे जैसे कागजात जमा करके बैंक से लोन निकाला है वो हमने डॉक्यूमेंट्स बैंक से तलब किए हैं।